गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन आज का पहला टॉपिक है चाइनाज़ लूनर मिशन टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है चाइना का चांगे सिक्स जो कि फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट बना है जिसने कि मून के फार साइड से सैंपल्स जो है वो इकट्ठे करके अर्थ पर लाया है ये प्रोब जो है ट्वेंटी फिफ्थ जून को वापस आ चुका है मंगोलियन रीजन में इनर मंगोलियन रीजन में ये लैंड हुआ है और ये तीन मई को जो है ये अर्थ से भेजा गया था और 53 डेज़ की जर्नी के बाद ये सैम्पल लेकर वापस आया है तो चाइना का जो ये लूनर मिशन है चांगे सिक्स ये चाइना की स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का एम्बिशियस लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम था जो कि एक फॉलोअप मिशन था चांगे फाइव का जिसमें कि लूनर सैम्पल्स अर्थ पर लाए गए थे 2020 में तो इसमें डिफरेंस ये था कि ये अर्थ के जो है सॉरी जो ये मून के जो है फार साइड जो है सदन पोर्शन जो है वहाँ से सदन साउथ पोल के एटकिन बेसिन से जो है ये लूनर सैम्पल्स लाए गए हैं तो ऑब्जेक्टिव इसका यही था प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कि लूनर सैम्पल्स कलेक्ट करके अर्थ पर वापस लाना तो इस मिशन से जो है डिमॉन्सट्रेट की गई है टेक्नोलॉजीज लूनर लैंडिंग की सैम्पलिंग की और अर्थ पर वापस आने की तो साउथ पोल के जो एपकिन बेसिन है वहाँ से सैंपल लाए गए हैं क्योंकि वहाँ पर जो यूनिक जो जोलॉजिकल फ़ीचर्स हैं तो इस मिशन में एक ऑर्बिटर एक लैंडर असेंट वाइकल और एक रिटर्न कैप्सूल कंपोनेंट्स थे लैंडर को लैंडर में जो है एक रोबोटिक आर्म का यूज़ किया गया जिससे कि ड्रिलिंग करके सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं जो सैंपल थे वो अब डिटेल्ड एग्जामिनेशन की जाएगी उसकी लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ और डिटरमिन किया जाएगा कि क्या केमिकल आइसोटॉपिक मिनरोलॉजिकल स्ट्रक्चरल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उन सैंपल्स की सैंपल्स को कई डेकेड्स तक प्रिजर्व करके रखा जा सकता है और इसरो भी जो है चंद्रयान फोर जो मिशन भेजने वाला है वो भी एक सैंपल रिटर्न मिशन होगा ठीक है तो क्या इसका सिग्निफिकेंस है लूनर का जो लूनर फार साइड है वो जियोलॉजिकली डिफरेंट है नियर साइड से क्योंकि वहाँ पर एक थिकर क्रस्ट क्रेटर्स और बहुत ही कम लावा प्लेन्स देखने को मिलते हैं साइंटिस्ट जो है अनश्योर हैं कि क्यों ऐसा डिफरेंस एग्जिस्ट करता है जो है मून की नियर साइड और फार uh, साइड में तो इन सैंपल्स को जो कि चैंगेस एक्स ने कलेक्ट किया है उससे हमें अब जो है आंसर्स मिल पाएंगे इन सैंपल्स से जो है हमें लूनर रिसोर्सेज भी जो है फ्यूचर में एक्सप्लोर करने के लिए उसके बारे में हमें पता लग पाएगा ठीक है तो इंडिया चाइना जापान, यूएस, रशिया इन सब कंट्रीज़ ने 2023 में लूनर मिशंस भेजे कंट्रीज़ जैसे कि चाइना और यूएस जो हैं वो तो एस्ट्रोनॉट्स भी भेजने की बात कर रही हैं मून पर 2030 तक नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ऑफिस ऑफ द डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा टॉपिक पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है तो ऑपोजिशन जो है वो स्ट्रांगर हो चुके हैं एटीनथ लोकसभा में इलेक्शन से दे हमें देखने को मिला है तो उसके मेम्बर्स जो है वो डिप्टी स्पीकर की पोस्ट जो है वो चाह रहे हैं लेकिन ऑफ कोर्स लोकसभा स्पीकर की वो जो है इलेक्शन हार गई हैं उनका कैंडिडेट और ओम बिरला जी जो है वो स्पीकर बन गए हैं तो एनी वेज हम देखते हैं डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा क्या है तो आर्टिकल 93 कहता है कि जो लोकसभा है वो दो मेंबर्स ऑफ हाउस को सिलेक्ट करेगा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को आर्टिकल 178 जो है उसमें प्रोविजंस हैं स्पीकर्स और डिप्टी स्पीकर के स्टेट असेंबलीज में और एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन ये कह रहा है कि डिप्टी स्पीकर जो है वो रूलिंग पार्टी से डिफरेंट किसी पार्टी का होना चाहिए ठीक है तो कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन कोई स्पेसिफाई नहीं करता है कि कितने टाइम फ्रेम में जो है डिप्टी स्पीकर की अपॉइंटमेंट होगी ठीक है उसकी वजह से क्या होता है कि गवर्मेंट जो है वो डिले या इवन अवॉइड भी कर देती हैं डिप्टी स्पीकर की अपॉइंटमेंट या इलेक्शन लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का कहा कहना है कि आर्टिकल 93 और आर्टिकल 178 178 स्टेट uh, के असेंबलीज के केस में होता है उसमें जो है वर्ड यूज़ किए गए हैं वो है शेल और एज सून एज मे बी ठीक है इसीलिए जो है इनको मैंडेट्री uh, है इलेक्शंस स्पीकर uh, और डिप्टी स्पीकर के और उनको जितनी जल्दी हो सके उतना करना चाहिए अब आर्टिकल नाइन्टी का क्लॉज वन कहता है कि डिप्टी स्पीकर जो है वो स्पीकर की ही ड्यूटीज़ निभाता है जब पोस्ट स्पीकर की वेकेंट होती है डिप्टी स्पीकर के पास सेम पावर्स होती हैं जैसे कि स्पीकर के पास होती है जब वो हाउस को प्रिजाइड कर रहे होते हैं और जब डिप्टी स्पीकर जो है वो जब तक हाउस डिसोल्यू की डिसोल्यूशन नहीं हो जाती तब तक वो ऑफिस में कंटिन्यू करता है अब याद रखो इस बार क्वेश्चन भी पूछा गया था कि स्पीकर जब रिज़ाइन करे या डिप्टी स्पीकर जब रिज़ाइन करे तो वो एक दूसरे को अपना रेजिग्नेशन देते हैं मतलब स्पीकर रिज़ाइन करेगा तो डिप्टी स्पीकर को मार्क करेगा डिप्टी स्पीकर रिज़ाइन करेगा तो स्पीकर को मार्क करके रेजिग्नेशन दे देगा ठीक है तो जो रूल्स होते हैं इलेक्शन के डिप्टी स्पीकर के लोकसभा के वो कहते हैं कि जनरली फर्स्ट सेशन ऑफ न्यू हाउस में ही जो है स्पीकर का इलेक्शन हो जाता है और थर्ड डे पर ओथ टेकिंग के बाद जो है स्पीकर की इलेक्शन होता है डिप्टी स्पीकर के केस में ये देखा गया है कि बियॉन्ड द सेकेंड सेशन जो है वो जनरली डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन को नहीं पुश किया जाता लेकिन कोई ऐसा फिक्स्ड रूल नहीं है कि फर्स्ट सेशन ऑफ न्यू लोकसभा असम्बली में जो है हम डिप्टी स्पीकर नहीं चुन सकते लोकसभा में रूल एट जो है रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा वो जो है कहता है कि जो इलेक्शन होगा स्पीकर डिप्टी स्पीकर का वो स्पीकर फिक्स करेंगे ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडियाज़ एक्सटर्नल डेट ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है तो इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है वो 663.8 बिलियन डॉलर पहुंच गया है और अगर हम 2023 मार्च के हिसाब से देखें तो ये एक तरह से 39.7 बिलियन डॉलर का इंक्रीज़ है तो एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी के जो रेशियो है लेकिन वो डिक्लाइन हुई है 18.7 परसेंट पर आ गई है जो पिछले साल 19 परसेंट पर थी ठीक है अब ये डेट क्यों इंक्रीज हुआ है क्योंकि अप्रिसिएशन ऑफ यूएस डॉलर हुई है ठीक है जो लॉन्ग टर्म डेट है वो 541.2 बिलियन डॉलर का है जो शेयर ऑफ शॉर्ट टर्म डेट है वो थोड़ा कम हुआ है 18.5 परसेंट पर आ गया जो कि पहले 20 परसेंट के आसपास था बीस इक्कीस परसेंट के आसपास यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड डेट जो डेट जो है वो लार्जेस्ट कंपोनेंट है इंडिया के एक्सटर्नल डेट का आउटस्टैंडिंग डेट जो है गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों सेक्टर्स का इंक्रीज़ हुआ है पिछले साल के कंपेरिजन में जिसमें कि लोन्स जो हैं वो सबसे लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट है एक्सटर्नल डेट के नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्किन बैंक टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है इंडियन आर्मी ने एक स्किन बैंक फैसिलिटी जो है वो लॉन्च की है तो इससे होगा क्या कि जो स्किन बर्न इंजरीज से पीड़ित पेशेंट्स हैं या बाकी स्किन रिलेटेड कंडीशन से रिलेटेड जो पेशेंट्स हैं ख़ासकर सर्विस परसोनल या उनकी फैमिलीज़ वो उनकी ट्रीटमेंट हो सकेगी ठीक है एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जो है फैसिलिटी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फैसिलिटी जो है वो इस्टेब्लिश की गई है आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज में और ये एक सेंट्रलाइज्ड हब बन के काम करेगी कलेक्शन प्रोसेसिंग स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्किन ग्राफ्ट्स का स्किन ग्राफ्ट्स क्या होता है मतलब जो स्किन डोनेट की होती है तो स्किन बैंक क्या होता है स्किन बैंक एक वो फैसिलिटी है जहाँ पर स्किन ली जाती है एलिजिबल डोनर से उसकी प्रोसेसिंग और स्टोरेज की जाती है लगभग पाँच साल तक ये स्किन रखी जा सकती है स्किन जनरली एक डिसीज पर्सन से जो है वो विद इन सिक्स आवर्स ऑफिस डेथ जो है वो ली जा सकती है और कोई भी स्किन डोनेट कर सकता है ठीक है मिनिमम एज लेकिन 18 साल होनी चाहिए और याद रखो एड्स हेपेटाइटिस बी या सी एस टी डीज हों स्किन कैंसर हो एक्टिव स्किन डिसीज़ या सेप्टिसीमिया हो तो ऑफ कोर्स वो स्किन डोनेट नहीं कर सकते वो पेशेंट्स स्किन जनरली 85 फाइव परसेंट ग्लाइक्रोल सोल्यूशन में रखी जाती है चार से पाँच डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में और पाँच साल तक उसे रखा जा सकता है तो स्किन ग्राफ्टिंग क्या है स्किन ग्राफ्टिंग एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें कि हेल्दी स्किन को ट्रांसप्लांट किया जाता है एक डिफरेंट एरिया ऑफ द बॉडी में जहाँ पर स्किन डैमेज या मिसिंग है देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ स्किन ड्राफ्ट ऑटोग्राफ्ट मतलब जब आपकी ही बॉडी में किसी और पार्ट से स्किन लेके किसी और पार्ट में लगा दी जाए एक एलोग्राफ्ट होता है मतलब जिसमें किसी और डोनर से स्किन लेके आपके जो जहाँ पर जरूरत है वहाँ पर लगाई जाए uh, कोई भी स्किन किसी भी और के ऊपर जो है वो लगाई जा सकती है उसमें ब्लड ग्रुप के मैचिंग की या कोई और तरह की जरूरत नहीं होती है ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं श्रीकाकुलम ये टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है तो उस कई हिस्टोरियंस एकेडमिशियंस राइटर्स का कहना है कि जो है वो काम कर रहे हैं कि कैसे श्रीकाकुलम की फॉरगॉटन गॉटन एंशंट हिस्ट्री को रिस्टोर किया जा सकता है तो श्रीकाकुलम एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस है जो कि लोकेटेड है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में और यहाँ पर कई तरह के बुद्धिस्ट साइट्स न्योलथिक एरा का केव्स लोकेटेड है एक टाइम पर ये कलिंगा डायनेस्टी का पार्ट था और ये बाद में गजापति किंगडम का भी पार्ट बना और फिर बाद में ईस्टर्न चालुक्याज ऑफ वेंगी भी यहाँ पर आए ठीक है तो सालीहुन्दम जो है यहाँ पर चार स्तूपा हैं रैलिक कास्केट्स हैं स्कल्पचर्स हैं बुद्धिस्ट डीटीज़ के मरीची और तारा के और यहाँ पर जो फेमस टेम्पल्स हैं वो हैं श्री सूर्य नारायण स्वामी टेम्पल जो कि सन गॉड को लोकेटेड है एक श्री मुखलिंगम टेम्पल है जो कि कलंग आर्किटेक्चर स्टाइल का टेम्पल है और ये वमशधरा रिवर के पास में लोकेटेड है ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अम्बूबाची मेला टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इम्पोर्टेंट है तो डिवोटीज़ जो हैं वो कामाख्या टेंपल असम गुवाहाटी में पहुंच रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एनुअल अम्बूबाची मेला शुरू हो रहा है तो अम्बूबाची मेला एक एनुअल हिंदू फेयर है जो कि हिस्टोरिक कामाख्या टेंपल में जो मनाया जाता है मानसून सीजन में एनुअली ये सेलिब्रेट करता है मैं मैंस्टुएशन कोर्स ऑफ गोडेस माँ कामाख्या कमाख्या टेम्पल नीलाचल हिल पर लोकेटेड है सदन बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर में और ये मोस्ट रिवर्ड सेंटर्स ऑफ तांत्रिक प्रैक्टिसेस है वन ऑफ द ओल्डेस्ट शक्तिपीठ है ये वन ऑफ द फिफ्टी वन शक्तिपीठ में से नीलचला स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर यहाँ पर फॉलो किया जाता है फॉलो किया गया है इसके कंस्ट्रक्शन में ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस टॉपिक सिक्योरिटी और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है तो रिसेंटली थ्री फिफ्टीअ कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है इनोवेश्स फॉर डिफेंस एक्सीलेंस के अंदर और मीनिएचर मीनिएचराइज सेटेलाइट के लिए तो ये जो है आईडेक्स ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का सेल्फ रिलायंस अचीव करने के लिए और इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट लाने के लिए डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में और इसमें इंडस्ट्रीज़ को एंगेज किया जाता है चाहे वो एम एस एम ईज हों स्टार्टअप्स हों इंडिविजुअल इनोवेटर्स हों आर एंड डी डमियाँ हो और लीडिंग इनक्यूबेटर्स के साथ पार्टनर भी करते हैं ये ठीक है आईडेक्स को फंड और मैनेज किया जाता है डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा और ये एक तरह से डीआईओ आई की एग्जीक्यूटिव आर्म की तरह काम करता है आईडेक्स ठीक है फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है स्टार्टअप्स एम एस इंडिविजुअल इनोवेटर्स या पार्टनर इनक्यूबेटर्स को डी की तरफ के थ्रू और एलेवन एंडीशंस ऑफ डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज जो है वो लॉन्च किए जा चुके हैं अभी तक नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं साइपान आइलैंड्स ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है तो जूलिया जब भी रिसेंटली पैसिफिक आइलैंड ऑफ साइपन में लैंड किए थे वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे जब और वहाँ पर उन्होंने प्लीड किया गिल्टी एक सिंगल क्रिमिनल चार्ज को जो कि उनकी प्ली डील हुई है यू जस्टिस डिपार्टमेंट के साथ उनको आज़ाद करने के लिए तो साइपन आइलैंड क्या है ये वेस्टर्न पैसेफिक ओशन में लोकेटेड है नदन मैरियाना आइलैंड्स जो कि एक यूएस कॉमनवेल्थ का पार्ट है उस ये उसकी कैपिटल है ये एक कॉलोनी था पहले स्पेन की फिर जर्मनी की रहा फिर जापान की रहा फिर उसके बाद यूएस ने इसका कंट्रोल ले लिया था वर्ल्ड वॉर टू के बाद से तो ये यूएस का पार्ट तो है लेकिन फुल स्टेटस ऑफ अ स्टेट इसको नहीं है ठीक है माउंट टैपोचो यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है टूरिज्म यहाँ पर इकोनॉमी का मेन स्टे है और ये याद रखो एक अकेला यूएस का ऐसा पार्ट है जहाँ पर चाइनीज़ सिटीजन्स को जाने के लिए वीज़ा नहीं लगता है ठीक है सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश So the first topic is China's lunar mission. This topic is important for your science and tech section. So China's Chang'e 6 has become the first spacecraft to bring back samples from the far side of the moon, which is the part that Earth never gets to see. So the probe landed on in northern China on 25th June uh, afternoon in the inner Mongolian region. So it had left Earth on 3rd of May. And it, this journey lasted for 53 days. So, China's Chang'e 6 lunar mission is part of the China National Space Administration's ambitious lunar exploration program. So, it is a follow up mission to Chang'e 5. And the primary objective of uh, this mission was to collect lunar samples and return them to Earth. This mission demonstrated the, uh, the technologies for lunar landing, sampling, and returning to the Earth, which are critical for future lunar exploration missions so if we look at the mission details then chang'e-6 was expected to target the lunar far side for its landing specifically the south pole aitken basin and this site is significant due to its unique geological features this mission consisted of, an, consisted of an orbiter a lander an ascent vehicle and a return capsule this lander used a robotic arm and a drill to collect samples also from the lunar surface and subsurface so a sample return mission known as the chang'e-6 uh, aimed to collect and return samples from extraterrestrial locations like the moon or mars or to the earth for analysis so uh, these samples would allow us for detailed examination using sensitive laboratory instruments and we can analyze these samples to determine the chemical isotopic mineralogical structural and physical properties of the samples these samples which are returned to earth can be preserved for decades India is also planning the uh, sample return mission through the Chandrayaan 4, which is currently under development by ISRO. So, the lunar far side is geologically distinct from the near side because it has a thicker crust. More craters and a fewer and fewer lava planes. So scientists are unsure why these differences exist. Analyzing samples from Change 6 mission could provide certain answers. So additionally, these samples could also suggest methods for utilizing lunar resources in future exploration. Okay. So in 2023, India, China, Japan, US, Russia launched lunar missions, and countries like China and US also want to put astronauts on the moon by 2030. So the next topic is office of the deputy speaker of lok sabha this topic is important for your polity section so since the opposition has become stronger in 18th lok sabha the members of opposition were vying for the office of uh, deputy speaker especially since they have lost the election for the speaker of the lok sabha so if we look at the office of deputy speaker then article 93 states that house of people that is the lok sabha shall as soon as may as possible choose two members of the house who shall be speaker and be deputy speaker the same provisions are applicable for state assemblies under article 178 so there is a parliamentary convention which says that deputy speaker of the lok sabha should be from a party other than the ruling party the constitution does not specify any time frame for making the appointments and it is the gap in this provision which allows governments to delay or even avoid appointing a deputy speaker so constitutional experts have pointed out that both articles 93 and 178 use the words shall and as soon as may be. This means that not only this election of the speaker and deputy speaker is mandatory, but it must be held at the earliest also. Okay. So, according to article uh, 95 clause 1, the deputy speaker performs the duties of the speaker if the post is vacant, and the deputy speaker has the same powers as the as the speaker when presiding over the house. Once elected, the deputy speaker usually continues in office until the dissolution of the house, and both speaker and deputy speaker they resign to each other. Okay, so there was a question this year regarding who, um, uh, to whom the speaker resigns. And uh, the answer was, of course, Deputy Speaker of the Lok Sabha. Okay, in the case of Deputy Speaker, the Deputy Speaker resigns from the House by uh, giving the resignation to Speaker of Lok Sabha. Okay, so if we look at the rules for election of Deputy Speaker of Lok Sabha, then first we have to see the election of Speaker. The practice is that it occurs during the first session of the new house it is usually elected on the third third day and in the case of deputy speaker it is generally not delayed beyond the second session of the lok sabha okay and there is no bar on having this election in the first session of the lok sabha or assembly election uh, assembly session also okay and in lok sabha this election of the Speaker, Deputy Speaker, is governed by Rule 8 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha and shall be held on such a date as the Speaker may fix so the next topic is india's external debt this topic is important for your economy section so india's external debt was placed at 663.8 billion dollar which is an increase of 39.7 billion dollar over its level in last year so external debt to gdp ratio declined to 18.7% from about 19% last year this valuation effect is due to the appreciation of us dollar vis-a-vis -vis the indian rupee and at the end of march 2024 the long term debt was placed at uh, $541.2 billion and the share of short term debt declined to 18.5%. The US dollar denominated debt remained the largest component and the outstanding debt of both government and non government sectors increased. The loans remained the largest component of external debt. Okay. So the next topic is Skin Bank this topic is important for your social issues so indian army has recently launched a skin bank facility and it was launched to help treat severe skin burn injuries and other skin related conditions for service personnel and their families so this is first of its kind facility which was established in the armed forces medical services and it will serve as a centralized hub for the collection processing storage and distribution of skin grafts which is a critical resource for military medical centers across the country. So, what is a skin bank? Skin bank is a facility where skin is taken from an eligible donor and processed and stored under the appropriate temperatures for up to five years. Skin from a deceased person can be donated within six hours after the death. And anyone can donate skin irrespective of sex and blood group. The donor's minimum age should be 18 years. Okay. So, skin is generally preserved in 85% glycerol solution and it is stored between 4 to 5 degrees Celsius for up to 5 years so what is skin grafting skin grafting is a simple process when a piece of healthy skin is transplanted to a different area of the body where the skin is damaged or missing so there are two main types of skin grafts first is the autograft in which the skin is taken from another part of the patient's own body and allograft means that skin is taken from a donor okay so any skin can be used on anybody and uh, uh, of course it is it has to be determined whether the patient is accepting it or not so the next topic is shrikakulam this topic is important for your art and culture section <clears throat> so several historians academics writers and heritage enthusiasts have been working diligently to restore the lost glory or forgotten ancient history of shrikakulam which is located which is a district place located in the state of andhra pradesh it is home to numerous prominent buddhist sites neolithic era caves and some of the oldest temples in the state it was once part of the kalinga dynasty and it came under the rule of gajapati kingdom during the medieval period and it was followed by eastern chalukyas of vengi and uh, the Buddhist sites here are Dantapuri and Salihundam. Salihundam has four stupas, relic caskets, sculptures of Buddhist deities, Marichi and Tara. And there are four, uh, Jainism sites also. Tanga, Mayakonda, and Rotavalasa villages. The famous temples of Sri include Arasabali, which is the Sri Narayan Swami temple dedicated to sun god. Then there is Sri Mukalangam temple, which is the most famous one, and it is built in the Kalinga architectural style, located in on the located by the Wamsadra River. Okay, so the next topic is Ambubachi Mela. This topic is important for your art and culture section. So, devotees from across the nation are flocking to Kamakya temple in Assam's Guwahati for the commencement of uh, annual Ambubachi Mela, which is an annual Hindu fair held at historic Kamakhya temple and it is celebrated during the monsoon season. It is the celebration of yearly menstrual uh, course of uh, a goddess, Ma Kamakya. So Kamakya Temple is situated on the Nilachal Hills, and it is it is uh, located adjoining the southern bank of Brahmaputra River in Guwahati, Assam. It is one of the most revered centers of ta Tantric practices also, and it is regarded as one of the oldest of the uh, 51 Shakti Pitas in India. Okay, and the uh, uh, temple architect architect architecture that has been followed here is the Nilachal style of architecture so the next topic is innovations for defense excellence this topic is important for your security and your economy topic so recently 350th contract under the innovations for defense excellence was signed uh, for min miniaturized satellite and what is idex IDEX is the flagship initiative of Union Ministry of Defence and the aim is to achieve self-reliance and foster innovation and technology development in defence and aerospace sector by engaging industries including MSMEs startups individual innovators R&D institutes and academia and it has partnered with leading incubators in the country to provide handholding technical support and guidance to the winners of IDEX challenges IDEX has been funded and managed by a defence Innovation Organisation, which functions as the executive, uh, and IDEX functions as the executive arm of DIU. Under IDEX, financial support is also provided is provided to startups, MSMEs, individual innovators, and partner incubators through the DIU. So, as of now. Eleven editions of Defence India Startup Act Challenge has been uh, have been launched, and uh, the, the recently unveiled Acing Development of Innovation Technologies with IDEX scheme is meant to promote innovations in critical and strategic defence technologies. Also, this has been this talent challenge has been the recipient of Prime Minister's Award for Public Policy and Innovation category in 2021, and it is currently engaged with 400 startups and MSMEs. So the next topic is Saipan Islands. This topic is important for your international relations. So Julian Assange, he, which has, who has been freed recently, and uh, because he has reached a plea deal with the U.S. Justice Department, uh, was uh, he landed in the Pacific island of Saipan, where he pled guilty to a single criminal charge uh, as part of the plea deal so what is saipan island it is located in the western pacific ocean it is the capital of northern mariana islands which is a us commonwealth in the western pacific and it was earlier a part of spain germany and japan as colony and after world war ii us took control of these islands like territories of guam puerto rico northern mariana islands this saipan island is also part of the us without the full status of a state okay so the highest point of uh, saipan island is mount tapu chau and the tourism is the mainstay of the economy remember that it is the only part of the us that chinese citizens can enter without a visa okay so these were our topics for today we'll meet next time with new topics until then goodbye and take care